बट आपको बताते हैं, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक सर्वाइवल गाइड है। हमने पहले ही इस्टेब्लिश किया कि लोग बड़े डायरेक्ट सवाल करते हैं, बड़े बदलेहाजी से आपसे कोई भी बात पूछ लेते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। आप कितने लोग मीडिया में हैं उनसे पूछ लीजिए, जब इन पर्सन मिलते हैं तब ऐसा सवाल हो सकता है, सोशल मीडिया पे ऐसा सवाल हो सकता है, और आप इसको डॉज कैसे करें या इसको हैंडल कैसे करें, आज का हमारा ये शो है। और अगर आप सोशल मीडिया स्टार ना भी हों, अगर आप कोई सेलिब्रिटी ना भी हों, आप देखें कोई नया मेंबर है फैमिली का, शादी होकर लड़की गई है, तो एक्सटेंडेड रिश्तेदार या वहाँ के जो पास पड़ोस के लोग हैं वो आपसे कोई भी ऐसा सवाल कर सकते हैं जो एक लम्हे के लिए आप ठिटक जाएँ कि यार मैं तो कभी किसी से ये सवाल ना करूं, और मुझसे अगर ये किया गया है तो मैं इसका जवाब कैसे दूं? ऐसी सिनेरियोज़ में अपनी बाउंड्री कैसे सेटअप करें, बजाय इसके कि आप लेबल हो जाएं कि ये तो बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, मुंह फट है, फलाना है, धमाका है, या हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिए। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्टली जी, हमारे साथ मौजूद हैं महरीन खालिद, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो आपके जहन पर असर क्या करती है इस तरह का कोई जुमला, कोई सवाल, कोई बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इस पर भी बात करेंगे, एंड देन How to draw the boundary. Thank you so much, Mehreen, for being here. और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं फरियाल फाहद। We know her as a social media influencer. Of course, podcast भी host करती रही हैं, तो खुद तो हम बड़े frank conversations करते ही हैं। कई दफ़ा हमारा मेहमान बैठा होता है ना, तो हमारा दिल चाहता है हम उससे बहुत कोई अंदर की बात निकलवा लें, and at times we are also guilty of the same fact कि हो सकता है we are not respecting the other person's boundaries. तभी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा इंटरव्यूअर, एक अच्छा होस्ट हमेशा अपने गेस्ट से पहले पूछ लेता है कि किन एरियाज़ के बारे में वो कंफर्टेबल हैं बात करने की। हैविंग दैट एजेंडा, हैविंग दैट प्लान इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने लोगों का मिजाज ये बना दिया है कि जितनी बेतकल्लुफ और बदलिहाज एक पॉडकास्ट होती है उतनी वो मशहूर हो जाती है। तो आइए ज़रा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरियाल फाहद। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे तीसरे मेहमान भी आ गए हैं, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग मेहमान हैं वो अपने कैमरे में देख के अब बात करेंगे, और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अली, जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और पॉडकास्ट भी लीड करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया कॉन्टेंट भी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का भी। अच्छा, मेरा जो आज मॉनिटर है ना, जिसमें मैं कभी कभार देख लेती हूँ कि शॉर्ट कैसा बना हुआ है, वो टेढ़ा है, तो मुझे सारे डिगे पैर लग रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये मुझे ज़्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन अगर ये सीधा हो सके तो प्लीज़ कर दीजिए। सबसे पहले जी फरियाल, आपसे बात करते हैं। व्हाट आई सेड अबाउट पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन कंटेंट, हम लोगों को बाउंड्रीज रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने पॉडकास्ट होस्ट हैं जिसमें फ्रैंक गुफ्तगू हो रही है, उसमें लगता ये है कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गेस्ट बाउंड्री। What is that fine balance कि जिसके अंदर आपको कोई बड़ी intimate, कोई बड़ी बंदर की अंदर की बात, बड़ा एक candid, truthful interview भी मिल जाए, लेकिन साथ साथ आप किसी के साथ बदलिहाजी ना करें? Okay, so first of all, we need to know कि हमें बात किस पैराहे में करनी है। सही। बात अगर हमारा टॉपिक ही इस तरह का है कि कोई बहुत ही पर्सनल इशू है, या कोई बहुत ही ज़्यादा हमारी पर्सनल बाउंड्री इन्वेड हो रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क द गेस्ट फर्स्ट। इन माय एक्सपीरियंस थ्रू आउट द 1.5 ईयर दैट आई वाज होस्टिंग द पॉडकास्ट, तो उसमें यही एक इशू बहुत ज़्यादा होता था कि एक्सपेक्टेशन जो ऑडियंस की तरफ से आती है ना, वो मसाले पर आती है, एंड आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि आप किसी की बहुत पर्सनल डिटेल, पॉडकास्ट इज़ व्हाट इज़ अ डीप कॉन्वर्जेशन, और उसमें अगर आप किसी की इतनी पर्सनल डिटेल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन्स बाउंड्री, आई डोंट थिंक दैट इज़ रिस्पेक्टिंग योर कॉन्टेंट। तो अगर आप इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने गेस्ट को कॉन्फिडेंस मिले और उससे डिस्कशन करें, उससे डीप उस टॉपिक के बारे में बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी की डिप्रेशन से रिलेटेड हमने किए हैं इसके ऊपर, हमने बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ से रिलेटेड इसके ऊपर हमने पॉडकास्ट किए हैं, तो उसमें आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी के इमोशंस हर्ट ना हो, आप किसी की बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहे कहीं पे। अच्छा, और ये भी देखो कि हम तमस्खर भी उड़ाते हैं, जिस तरह आपने सवाल को फ्रेज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उस बंदे को ऑफेंड करते हैं, उसको डिफेंसिव पे डाल देते हैं, और फिर वो जो रिएक्शन देता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद वो हमारे व्यूज़ के लिए, आई बॉल्स के लिए, हमारी अपनी वायरलिटी के लिए हमें लगता है कि हम
हमें फ़ायदा देंगी। सफदर, आप क्या समझते हैं, जो हमने लोगों का मिजाज बना दिया है, एक तरफ हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, अच्छा दूसरी तरफ अगर पलट के फिर सेलिब्रिटी में मैं देखती हूँ कि इंसान है, कई लोगों का जो भी थ्रेशोल्ड होगा या तो वो ट्रोलर्स को जवाब देने लगते हैं या फिर इसी तरह का अगर किसी ने उनसे बहुत फॉरवर्ड क्वेश्चन कर लिया है उसको पलट का जवाब देते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार देखो इससे अपनी इज्जत और अपनी पॉपुलैरिटी संभल नहीं रही है। क्या सेलिब्रिटीज़ को पलट कर उसी तरह जवाब देना चाहिए ताकि वो अपनी बाउंड्री क्रिएट कर सकें? क्या समझते हैं इस बार आज के बारे में आप? मास्टर के जरा बहुत अच्छा टॉपिक है। जहाँ तक इस बात का मतलब ये लिया जाए कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो आम इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं तो ऐसा नहीं है, उनमें भी उतने ही आवाज से थमसा मौजूद है, उनमें भी उतनी ही सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन किसी एक सलाहियत को वो पॉलिश करके वो एक्टर या एक्ट्रेसेस बन जाते हैं और फिर सेलिब्रिटीज की लिस्ट में आ जाता है। सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज नहीं है, हमारे यहाँ सियासतदान भी अब सेलिब्रिटी का जो है ना वो रूप इख्तियार कर चुके हैं। जहां तक ये बात है कि उन्हें जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हर एक की इंडिपेंडेंट आप कह लीजिए ओपिनियन हो सकती है। मेरी जो जाती राय है वो ये कि जवाब नहीं देना चाहिए। वजह यह है कि आप एक ऐसे मकाम और मर्तबे पर मौजूद हैं जहां पर पहुंचने की लोग ख्वाहिश करते हैं, अब चूंकि वो वहां पर पहुंच नहीं सकते तो किसी ना किसी तरीके से आपको टीज करेंगे, तंग करेंगे और आपसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जो नेगेटिव बात भी की जाएगी तो नेगेटिव बात करने का मतलब और मकसद भी होगा कि आप तक वो आवाज पहुंचे, आप उसे नोट करें और जब आप उसे नोट कर लेंगे तो उसकी कामयाबी होगी। आप अगर उसे पलट कर जवाब दे देंगे तो उसकी कामयाबी होगी। हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजराए नज़्म, बात करने से कबीले का पता चलता है। अगर आप जवाब दे रहे हैं ना और जवाब भी आप एक मुख्तलिफ ऐसी बात का जवाब दे रहे हैं जो कि बिलो द बेल्ट है, तो इसका मतलब ये कि आपको जान लेना चाहिए कि आपको फिर अपनी ज़हनी सेहत के साथ साथ अपने ज़हनी मयार पर भी काम करना है, क्योंकि ऑडियंस में तो हर तरह के लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी करना चाहते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी वजह से कर रहे हैं कि वो किसी पर भी किसी भी किस्म की बात कर दें और अपना माफियो ज़मीर बयान करके अपने आप को हाईलाइट करके सामने वाले की बस टांग खींचने की कोशिश करें। तो जो सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी पॉपुलर हैं, उन्हें किसी किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर बन नहीं पड़ता तो फिर ऐसा जवाब होना चाहिए जो शायस्तगी के साथ जवाब दिया जाए। बसूरतदीगर हमने अक्सर देखा है कि जब भी सोशल मीडिया पर कोई ट्रॉल किया जा रहा होता किसी को तो वो फिर अगर उसे गाली दी गई है तो वो गाली पर उतर आता है, अगर उससे बदतमीज कहा गया तो उससे ज्यादा मजीद बदतमीजी की जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, मुख्तलिफ केसेस ऐसे हुए हैं पास्ट में भी, कोई रिसेंट पास्ट में भी ऐसे केस हुए। तो आई थिंक सेलिब्रिटीज को जवाब नहीं देना चाहिए, और अगर जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो शायस्तगी के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, कई दफ़ा फिर व्हाट कैन बी द वे, यानी ये तो एक बहुत बड़ा पे मुझे लगता है कि आपके दिल दिमाग आपके ऊपर एक बोझ है तवक्कुआत का। ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी फरियाल, ये क्वेश्चन बल्कि फरियाल से नहीं, इसमें क्योंकि माहिर नफ्सियात आपकी नफ्सियात पे इफेक्ट कर रहा होता है। मेरीन, आपसे पूछूंगी कि अगर आप जवाब नहीं देते और आपको कोई खलता हुआ बदलेहास क्वेश्चन या जैसे हम जिसको आम जबान में कहें कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया गया है, अगर आप सिर्फ उसको बर्दाश्त करते हैं और रिपीटेडली बर्दाश्त करते हैं तो इसका आपकी शख्सियत पर, आपकी मेंटल वेलबींग पर क्या असर पड़ता है? सिद्धा, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं वहीं से स्टार्ट लेना चाहूँगी जब आपने शुरू में बताया कि हम ऐसी चीज़ खुद नहीं कर रहे होते। सो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला भी ऐसा सवाल कर सकता है, हमारे जहन में भी नहीं आता, लेकिन वो कर रहा होता है असल ज़िंदगी में और बार बार कर रहा होता है, वो हमें ट्रिगर भी कर रहा होता है। बिल्कुल, अगर हम पहली दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे तो दैट डज़ मीन कि हमने एक चीज़ का ग्राउंड सेट कर दिया। अब वो दोबारा चीज़ आएगी और वो पर्सन भी उसके जहन में होगा कि ये शख्स बर्दाश्त कर सकता है, सही है, इससे ऐसा सवाल किया जा सकता है, इसने पहले भी इजाज़त दे दी थी, हो सकता है ये अभी भी इजाज़त दे दे। तो जहाँ तक बाउंड्रीज़ की बात होती है, हम अपने क्लाइंट्स को भी यूजुअली यही सिखाते हैं और आम ज़िंदगी में हम सब के लिए भी है कि बाउंड्रीज़ आपको हमेशा पहले उससे फर्स्ट इंटरेक्शन से सेट कर देनी लेकिन चाहिए। देखो, आपके अंदर भी तो ज़िंदगी में तब्दीली आती है ना। मैं इसको ऐसे एग्जांपल दूंगी, मेरा स्लाइटली इस पर डिफरेंट ओपिनियन है एंड प्लीज़ करेक्ट मी अबाउट इट, कि जब हम कहते हैं ना कि यू नो मिसाल के तौर पे आपको चुभती वही बात है जो कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट होता है। अगर कोई मुझे आके कहे कि सिद्रा आप बहुत बेवकूफ़ हैं एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल इन द फैक्ट कि नहीं यार मैं नॉलेजेबल हूँ, मुझे दुनिया के बारे में कुछ पता है, आई एम यू नो माय आइडेंटिटी इज़ टू बी इंटेलिजेंट, तो वो बेवकूफ़ मुझे कहने वाला शख्स मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं मुझे कोई कहे कि सिद्रा आप बहुत इनसेंसिटिव हैं या आप बड़ी ज़ालिम हैं,
तो अगर तो मैं ऑलरेडी इस गिल्ट से कहीं ना कहीं यू नो स्ट्रगल कर रही हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बड़ी हार्ड हैंडेड हो जाती हूँ और मैं दूसरे की सुनती नहीं हूँ, यानी मेरे पास कहीं वो वीकनेस मौजूद है तो फिर वो मुझे इफ़ेक्ट करेगी। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक यंग लड़की है शादी से पहले उसको अपने अपने अपनी अट्रैक्शन पे, अपनी वेलबी, अपने दिखावे पे, अपने लुक्स के ऊपर बहुत नाज है, और अगर उसको कोई कहे कि यार तुम ये कपड़े पहन के अच्छी नहीं लग रही, शी विल नॉट केयर, शी विल लाइक, मुझे पता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन यही लड़की अब उसकी शादी हो जाती है एंड शी हैज़ अ चाइल्ड एंड शी इज़ पुट ऑन अ लिटिल वेट, तो अगली दफ़ा किसी ने उसकी लुक्स पे कुछ कहा तो आपका एक एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा। बात वही है लेकिन आपके अंदर के हालात भी बदल गए। अच्छा जी, हम ज़रा आगे बात कर रहे थे बाउंड्रीज के हवाले से, और ऑफलाइन जब गुफ्तगू कर रहे थे तो फरियाल ने बताया कि माशाल्लाह इन 14 ईयर्स ऑफ मैरिज शी हैज़ टू ब्यूटिफुल डॉटर्स, लेकिन ये 14 साल का एक सफ़र रहा है जिसके अंदर बड़े फॉरवर्ड बदलेहाज और बड़े फ्रैंक क्वेश्चंस को इन्होंने डॉज किया है, जिसके अंदर हर किस्म की गुफ्तगू हुई है कि जी तीसरा बच्चा कब करना है, तीसरा बच्चा तो होना चाहिए, ट्राई फॉर अ बॉय, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने फरियाल से ऑफलाइन यही सवाल किया कि फरियाल अगर कोई शख्स आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग हैं ना जो ये सवाल करना अपना हक समझते हैं, तो आपको वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है या कोई शख्स जो आपका रिश्तेदार हो, आपको देख रहा हो और ये भी जानता है कि ये चीज़ आपके हाथ में तो नहीं होती है, तो कुदरत की तरफ से है, उसका ये कहना या ये मुतालबा करना आपको ज़्यादा तकलीफ़ देता है? फरियाल क्या जवाब होगा इसका? सो आई बिलीव कि अगर कोई तीसरा बंदा मुझसे सवाल करे तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ उसको पता नहीं है मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में। लेकिन हाँ, अगर कोई क्लोज़ रिपीटेडली मुझसे इस तरह की बात करेगा तो आई टुक माई टाइम टू डिफ्लेक्ट दोज क्वेश्चन, बट देन टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, जैसे मेरी ने कहा कि बाउंड्रीज आपको एक टाइम पे ना सेट करनी पड़ती हैं। सो लाइक 2-3 ईयर्स बिफोर आई जस्ट एड्रेस्ड दिस इशू एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, लेट्स प्लान ऑल टुगेदर, सिंस इट वॉज आस्क्ड इन अ पब्लिक सेटिंग, तो मैंने कहा सही है, मिल के पालते हैं, फिर मैं पैदा करती हूँ, आप जो है उसकी गारंटी दें कि जी ये बॉय ही होगा, और उसके बाद तरबियत आप ऐसी करते हैं जैसे मैंने बेटियों की है। सो लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि आपकी औलाद होने से ज़्यादा उस औलाद की तरबियत कितनी ज़रूरी है, और बेसिकली आपको जो भी उनके इन्वेसिव क्वेश्चंस होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो सवालात हैं कि तरबियत इम्पॉर्टेंट है, हमारे फाइनेंसेस ये हैं, मेरा तो एक बिल्कुल बेसिक और कलीदी चीज़ है कि ये आपका बड़ा पर्सनल मैटर है। Exactly. आप इसको भरी महफिल में किसी को पूछने का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि जब आपको लगे कि कोई आपकी बाउंड्री लांग रहा है, कोई आपसे ऐसा सवाल कर रहा है जो कि आपका बड़ा पर्सनल एरिया है और उसको बीच बाजार में डिस्कस किया जा रहा है या बीच महफिल में डिस्कस किया जा रहा है, तो आप बड़े पोलाइटली उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन उनको क्यों दरकार है या उनको क्यों लगता है कि ये बात करनी चाहिए, इससे भी पहले कि आप अपने बारे में यू नो एक नेचुरल रिएक्शन सफदर, मुझे ये लगता है कि हर इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है, एक्सप्लेनेशन देने लगता है या थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, जैसे फरियाल का एक तरीके का, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर सब मिलके पालते हैं, गारंटी देते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपकी चुभन, आपकी तकलीफ, आपकी वीकनेस का एहसास हो रहा होता है। लेकिन पहला तो सवाल ये है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों? अच्छा चलें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के देखते हैं। सफदर, अगर हमें लगे कि ये सब चीज़ें वो हमारी केयर या कंसर्न में पूछ रहे हैं तो क्या इसको मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करना चाहिए? लेकिन जब ये बात महसूस हो कि वो केयर में पूछ रहे हैं तो उनके सवाल का तरीकाकार भी मुख्तलिफ होगा, यानी उनकी बात में क्यूरियोसिटी नहीं होगी बल्कि वो बात इस अंदाज से कर रहे होंगे जैसे महसूस होगा कि ये ख्याल कर रहे हैं। लेकिन अगर तंज होगा, तमस्कर होगा, तो सवाल का अंदाज भी मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि जाहिर है हमें लहजों की तो समझ आती है, और जब लहजे की समझ आ जाए तो फिर आपको जवाब उसी अंदाज से देना चाहिए। जिस तरह से अगर वो बार बार एक ही सवाल आपसे कर रहा है औलाद को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, तो आप भी वे किस्म का जो रिप्लाई है या वे किस्म का क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जिस तरह से आपके साथ बाकी हमारे जो साथी मौजूद है उन्होंने कहा कि आप क्यूरियस क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, तो जब आप क्यूरियस औलाद की बात ले लेते हैं, मतलब मेरे पास भी अक्सर केसेस आते हैं जिसमें से खातीन बाहर डिप्रेशन में होती हैं कि बेटा कब पैदा करोगी, बेटा कब पैदा करोगी, और खसूसी तौर पर सास की जानिब से और नंदों की जानिब से, देवरानियों की जानिब से इस किस्म के सवाल आ रहे होते हैं। तो एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी सर मैं इस बात से तंग आ गई हूँ, मेरे से 3 साल से यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बेटा कब पैदा करोगी, बेटा कब पैदा करोगी, और अभी हमारी शादी को 3 साल हुए हैं लेकिन औलाद नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा मसला नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें किस तरह से हैंडल करूं और मैं उन्हें बताऊं कि आपके बेटे में
या आपके भाई में या आपका जो रिश्तेदार है उसमें मसला है। अब इतनी सी बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही थी और उसकी सास बार बार ये बात कह रही थी कि तुम पर मुनासिर है, तुम पर मुनासिर है। मैंने उन्हें सिर्फ ये बात कही कि आपने उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ मैं बेटा पैदा नहीं कर सकती, आपके बेटे ने भी उतनी ही एफर्ट पुट करनी है। आप यकीन कीजिए, जब उसने ये बात जाकर कही तो उन्होंने इस बात पर वावेला मचाया, और वावेला मचाने के बाद उसे कहा कि इसको तो देख घर निकाला कर देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए, कि ये बदलिहाज है, ये अपने शौहर के बारे में ऐसी बात करती है। तो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है ना, उसको इस अंदाज से आप चेक करें कि वो सवाल तो करना जानते हैं लेकिन उसका जो जवाब है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो जवाब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लॉजिकल है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, या लॉजिकल है, यानी अगर आप उस जवाब का लॉजिकल जवाब भी दें, और खास तौर पे देखें, एक यहाँ तो चले हम एक अस्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कोई कोई यू नो मेडिकल इशू है, उसके बारे में भी जहन खुला नहीं, सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो खातून पे डाल दें कि बर्थ स्पेसिंग से लेके बच्चे का जेंडर क्या होगा ये सारा खातून का मसला है। अच्छा, इस मसले से निकलते हैं तो हम दूसरी तरफ देखें, यानी आदमियों पे भी प्रेशर्स कम नहीं है। यहाँ पे महरीन ये कहना चाहेंगे, आदमियों से भी बड़े फॉरवर्ड, जैसे अभी हमने तनख्वाह की बात की, घर कब बनाओगे, फ़लानी चीज़ कब करोगे, यानी ये वो प्रेशर्स हैं जो मर्द हो या औरत हो, हम अपनी ख्वाहिशात, यानी ये शो करता है कि हम एक मखसूस अंदाज में ज़िंदगी को देखने के आदि हैं, और हम चाहते हैं कि हर इंसान वही चेकलिस्ट, वही माइलस्टोन्स को फॉलो करे। ये मुमकिन नहीं है, हर एक के ख्वाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर एक की टाइमलाइन मुख्तलिफ हो सकती है। तो आइए ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। मेरीन, आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने, यहाँ तो चले बेटे की ख्वाहिश या शादी का सवाल किया या आपकी तनख्वाह का सवाल किया, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है, जवाब कैसे दें? अच्छा, जो क्यूरियोसिटी की बात हो रही थी, मैं उसी से कनेक्ट करना चाहूँगी। आपको सबसे पहले ये जाँचना होता है, ये गेज करना होता है, सवाल आ किस जगह से रहा है, किस नियत से पूछा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटेंशन ये है कि उनकी क्यूरियोसिटी से आ रहा है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, वो उसको जांचना चाहते हैं, तो आपकी उसकी क्यूरियोसिटी को आप भी क्यूरियोसिटी से जो है वो कैटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उसमें ये होता है सिद्रा कि आपको डायरेक्टली उस सवाल का जवाब नहीं देना होता, विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आपको सब जो भी बात पूछी गई है वो आपकी बहुत पर्सनल होती है। आपकी क्यूरियोसिटी कैसे आ सकती है, मैं ये जानना चाहूँगा आप में, आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं। मुझे हैरत हो रही है, जिस जगह हम बैठे हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर शादी है तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट कैसे हो गई। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम उन सवालों को, ऐसा नहीं कि हमने उस पर्सन को जवाब भी नहीं दिया, सही, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी से हमने अपनी क्यूरियोसिटी को कनेक्ट कर दिया। हमें उस पर्सनल क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर, यानी जो आप कहना चाह रहे हो ना कि हम गेट कीपर्स हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, कई दफ़ा ऐसे सवालात ऐसे मौके में हेल्प किए जाते हैं जब आप पे प्रेशर बनता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज करने का, कि आपके जहन में चल क्या रहा है, क्या आप इस इशू को इशू समझते हैं, क्या आप ऑलरेडी जूझ रहे हैं इस मसले से। मिसाल के तौर पर, अगर किसी खातून के या किसी कपल के बच्चे नहीं हैं, उनसे ऐसा सवाल करना एक क्यूरोसिटी होती है कि भाई वो क्या इलाज मुआलजा करवा रहे हैं, क्या उन्होंने किसी डॉक्टर को देखा है। एंड यू डोंट हैव टू गिव अवे दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उस वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील एम्पावर्ड कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आप इसको शेयर नहीं करना चाहते, खासतौर पर एक ऐसे रैंडम बदलिहाज शख्स से तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो उस वक्त अपनी पावर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आई कि कई दफ़ा लोगों की जो एवोल्यूशन है, जो उनका इर्तिका और उनकी जो अपनी ग्रोथ है, वो हो सकता है आपकी ग्रोथ की पेस से मैच ना कर रही हो। बचपन में ये पूछ लेना कि तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कितने का है, तुम्हारा ड्रेस कितने का है, शायद आपकी बेतकल्लुफी और आपका साथ इस तरह का था कि आप ये अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यही सवाल आपको चुभने लगेंगे, यही सवाल आपको इनअप्रोप्रिएट लगने लगेंगे। सो इट इज़ नॉट दैट दीज पीपल आर इंटायरली रॉन्ग, लेकिन बस ये हुआ है कि आपके और उनकी ग्रोथ में, आपके और उनके माइंडसेट की एवोल्यूशन, मैच्योरिटी, इन सब चीज़ों में फ़र्क आ चुका है। सफदर, हम अक्सर समझते हैं कि ज़िंदगी भर का साथ होता है, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज कि कुछ लोग, अब आप ज़िंदगी के एक ऐसे सीज़न, एक ऐसे पड़ाव में हो सकते हैं कि वो अब आपके लिए इतने रेलेवेंट नहीं रहे, तो उनसे कतई ताल्लुक़ कर लें, उनसे दूरी कैसे बनाएं, उनको ये कैसे बावर कराएं कि अब ये सवालात या ये क्वेश्चंस आर नॉट वेलकम, हाउ डू वी डू दैट? अच्छा देखिए, ताल्लुक पर डिपेंड करता है, ताल्लुक की नौइयत क्या है। अगर ताल्लुक बहुत खास है, अच्छा है, यानी यूं कह लीजिए कि वालदा अगर हैं सामने और वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन करती हैं,
तो आप वालदा की तरबियत तो नहीं कर सकते, आप वालिद की तरबियत तो नहीं कर सकते, आप उनको बाउंड्रीज भी उनके साथ सेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको इतने टेक्टेक्स आने चाहिए या इतना तरीकाकार आना चाहिए कि आप उनकी बात को या तो डॉज कर सकें या उस बात को बदल सकें किसी और अंदाज में। अब फर्ज कीजिए मेरे से कोई और क्वेश्चन कर रहा हो, कोई ऐसा शख्स क्वेश्चन कर रहा हो जिसका जिसका सामना मैंने जिंदगी भर में कोई दो चार दफा किया है और आज कर रहा हूं मैं, तो उसको तो मैं टकासा जवाब दे सकता हूं। लेकिन अगर वालदा ऐसी कोई बात कर रही है तो फिर मुझे उनके मकाम और मर्तबे को देखते हुए बात करना पड़ेगी। इसी तरह से आम जिंदगी में भी सिदरा एक्शन उतना काउंट नहीं करता जितना रिएक्शन काउंट करता। अच्छा, बट कते कलामी की माफी चाहूंगी सफदर, हाँ सफदर, इस पे मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा तुम और एलैबोरेट करो। ये जो आपने कहा ना कि देखें माफ कीजिएगा, यकीनन वालदा का जो लिहाज, जो रिस्पेक्ट और मर्तबा है उसको मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा, लेकिन यही मुझे लगता है कि सारी फैमिलीज़ का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अब एक मर्द का एक पोजीशन है अपनी फैमिली के सरबरा होने की, इफ़ ही इज़ गेटिंग स्टक बिटवीन उसकी वालदा और उसकी बीवी, मिसाल के तौर पर सवाल हो सकता है कि बच्चे को किस स्कूल में या बेटी को किस स्कूल या कॉलेज में जाने देना है। अब इसमें अगर राय में इख्तलाफ मौजूद है और प्राइमरी हक यकीनन उस बच्ची के वालदैन का यानी आदमी और उसकी बीवी का ये फैसला लेने का हक है, तो अपनी वालदा को कैसे कहा जाए कि यार यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, अम्मी जी आप इसके ऊपर परेशान ना हो। ये करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो तब कर सकेगा जो अल्फा मेल होगा, ये बात समझ लीजिए। पहले उसने बाउंड्रीज पहले ही सेट की हुई होंगी कि वालदा को वालदा के मकाम पर और बीवी को बीवी के मकाम पर रखा हुआ होगा, और फिर ये बात डिसाइड करेगा कि जो भी फैसले होंगे वो फैसले मैंने लेने हैं। जब ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई खड़ा हो सकता है कि वालदा कहे कि इस बच्चे को यहाँ एडमिशन नहीं करवाना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। मैं अगर आपको अपनी जाती जिंदगी की मिसाल दूं तो जाती जिंदगी में भी वालदा को अपने मकाम का पता है और बीवी को अपने मकाम का पता है, वो कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते। और जाती तौर पर अगर मैं अपने फैसलों की बात करूं तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं इस हवाले से ब्लेस्ड हूं कि दोनों एग्री होते हैं कि हाँ ये फैसला कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि उनको उनके मकाम का पता है, वालदा को पता है कि वो बीवी की जगह नहीं ले सकती, बीवी के हुकूक और बीवी के फराइज पूरे नहीं कर सकती, और बीवी को पता है कि वो वालदा की जगह लेते हुए ना ही तो वालदा के हुकूक नहीं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजों में आपकी तरफ ही देखा जा रहा होता है। एब्सोल्युटली मेहरीन, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। जैसे मिसाल के तौर पर खातून है, वो अपनी मर्जी से पहनावा उसका अपनी मर्जी से हो सकता है, उसका रहन सहन, उसका लाइफस्टाइल, वो अपने अंदाज में किचन को रखना चाहती है, अपने अंदाज में अपने घर के पोर्शन को सजाना चाहती है। ये बाउंड्री सेट करने के लिए उसको अपने पार्टनर की हेल्प दरकार होती है, क्योंकि ससुराल एक नया एनवायरनमेंट है और उस वक्त एक खातून की एक्सपेक्टेशन है कि हेल्प मी आउट, मैं ही बदलिहाज या मेरे पे ही क्यों लेबल लगे। कुछ चीज़ें आपने कम्युनिकेट करनी है अपने ख़ानदान वालों को। मर्द इसमें आगे नहीं आते, खवातीन को क्या करना चाहिए? जैसे आपने बात की, ऑब्वियसली पार्टनर की हेल्प रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ समथिंग बहुत एक रियलिस्टिक बात है। इसमें दोनों पार्टनर्स का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की हर चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड आगे नहीं भी आ रहा, बीवी बोल भी रही है, सो उसको पता हो कि एटलीस्ट उसकी सपोर्ट मेरे साथ है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले भी रही हूँ, मैं वोकल हो भी रही हूँ, वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ मौजूद है। अगर वो खुद नहीं भी बोल पा रहा, बोल पा रहा, अगर कोई रिएक्शन आएगा तो मेरे पीछे मेरी बैकिंग मौजूद है। एग्जैक्टली, मेरे पास वो शख्स मौजूद है, मैं उस पर काइंड ऑफ रिलाई कर सकती हूँ। तो पार्टनर्स का सेम पेज पे होना नॉट ओनली के घर के उसको लेके, जिंदगी की हर चीज़ को लेके बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टनर्स भी आपस में बाउंड्रीज जो कि म्यूचुअल होती हैं उसको डिसाइड करें, डिस्कस करें, और कुछ कॉन्वर्जेशंस जो कि इतनी आसान नहीं होती बट वो मियाँ और बीवी के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, अगर उसमें कुछ टिप्स देना चाहेंगी? अक्सर ऐसा होता है कि घर में किसी फैमिली मेंबर ने आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया तो आपको शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो यकायक आपका अपना रिश्ता आपने साइड पे रखा है, यानी वो अब आपकी सास आपकी नन नहीं है। आप गुस्से में आके ना अपने हस्बैंड से जब बात करें, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तो उस वक्त गुस्से को कैसे पार करके हस्बैंड तक कम्युनिकेट कैसे की जाए कि प्रॉब्लम क्या है? यू आर राइट, अक्सर हम अटैकिंग उसमें चले जाते हैं और मुद्दा जो होता है जो चीज़ पे वो बहुत पीछे रह जाता है और इमोशन आगे आ जाता है। सबसे पहले आपको, आपके लिए, हर इंसान के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो उसको थोड़ा सा काम डाउन करती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं। आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मे बी आपने किसी से कॉल पर बात कर ली, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, आपने कुछ देख लिया ऐसा जिसमें ह्यूमर हो। हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, जिस भी चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं
पहले आपने वो करके अपने आप को रिलैक्स किया। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ही हस्बैंड घर पे आया फ़ौरन वो बात डिस्कस करने लगें। इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट इन दैट स्टेट कि वो मुद्दा बयान हो सके, वो कॉन्वर्जेशन हो सके, टेक योर टाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एब्सोल्युटली, जल्दबाजी ना करें। Exactly. अच्छा फरियाल, लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, तो मैं ये बात बहुत ज़रूरी है, यू हैव माशाल्लाह 14 ईयर्स ऑफ मैरिज एक्सपीरियंस। बहुत सारी फैमिलीज़ में, ख़ासतौर पर मैरिजेज में, हस्बैंड एंड वाइफ आजकल तो दोनों कमाते हैं और दोनों के लिए मुश्किल होता है अपनी अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, चाहे बेशक बच्चा हो, ससुराल वाले हों या अपने घर वाले हों, उनके साथ फाइनेंशियल बाउंड्रीज रखना। लोग समझते हैं कि अगर आप कमा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपसे मदद मांगी जा सकती है, आपसे आप पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा सकती हैं। अगर एक हाउस होल्ड शेयरिंग हाउस होल्ड है, वहाँ पे फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट की जाए कि भाई मैं किचन में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं फ़लाना बिल अदा करूँगी, मैं पेट्रोल का बिल दे रही हूँ, ताकि कुछ सेविंग्स भी हो सके और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सके, ये सेट कैसे करें बाउंड्रीज़? सो आई थिंक आई विल टॉक विद एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और आपके राइट्स क्या हैं। तो जब आपकी क्लैरिटी होती है कि एक इंसान की एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको बेयर करने के काबिल भी है, तो आप ये बैठ के अपने शेयरिंग, अगर हाउस होल्ड है तो आप उसमें डिस्कस करें, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ कमा रहे हैं तो आप वो डिस्कस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हस्बैंड यूटिलिटीज़ देख रहा है तो, और आप भी अर्न कर रहे हैं, यू ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ वूमन, तो आप सेविंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो अपनी अपने गोल्स ये आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कम्युनिकेशन से ही सेट करने पड़ेंगे। हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके ऊपर प्रेशर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर है जिसके अंदर सब लोग ही कमा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एवरीबडी शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस एंड देन अपनी अपनी एक बाउंड्री सेट करते हैं कि जी हमारा इतना खर्चा है, हमारी पर्टिकुलर फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का, हमारी हस्बैंड वाइफ और बच्चों का इतना खर्चा है, एंड वी कांट गो अप दैट। इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा आगे बच्चों के लिए आपने एक इमरजेंसी किट भी रखना है। यकीनन इसके अंदर ऐसा नहीं कि खुदा ना खासा आपकी वालिद या वालदा बीमार पड़ जाए या किसी का कोई एक्सीडेंट हो तो आप पिचन नहीं करेंगे, उस वक्त आप इसको एक यू नो बाउंड्री बना के रखेंगे। देयर इज ऑलवेज एन इमरजेंसी पॉकेट। आपके लिए अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये बातें करना, इसमें अगर आप लिहाज में पीछे रहते हैं तो कभी कभार लोग ओवरबर्डन फील करते हैं, कर्जे में आ जाते हैं कि जी एक बहन की शादी आई है तो मोटर बाइक या गाड़ी तो हमने दहेज में देनी है, या कैसा लगेगा अगर भाई ने नहीं दिया। इस तरह के प्रेशर्स आपके लिए ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। बट थैंक यू सो मच महरीन, फरियाल एंड सफदर फॉर शेयरिंग विद अस कि ये जो बड़े डिफ़िकल्ट डॉजिंग पीरियड हमारे लिए होता है, इस तरह के सवालात हमें ख़ुद भी एहसास करना चाहिए कि कहाँ हम दूसरों की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। वील हैव अनदर कॉन्वर्जेशन। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।